पूर्व सैनिक लीग नूरपुर इकाई की एक दिवसीय बैठक शनिवार को राजा का तालाब में लीग के अध्यक्ष एक्स सुबेदार एनएस पठानिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें नूरपुर लीग के भूतपूर्व सैनिक व स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बैठक में लीग के पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय कर्नल कहन सिंह पठानिया को याद किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वर्गीय कर्नल कहन सिंह का स्वपन राजा का तालाब में क्षेत्र डक में 1995 से चली आ रही चिर लंबित मांग केंद्रीय विद्यालय का खुलना रहा। पूर्व सैनिक लीग नूरपुर इकाई के महासचिव कैप्टन हरि सिंह ने प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का प्रदेश में खुलने वाले 6 केंद्रीय विद्यालयों के लिए धन्यवाद किया। वहीं कैप्टन हरि सिंह ने रोष प्रकट किया और उन्होंने कहा कि भदोही में केंद्रीय विद्यालय के खुलने को लेकर चल रही चर्चाओं से वे चिंता व्यक्त करते हैं। की जो मीटिंग राजा का तालाब में हुई, इसका हमारा मुख्य उद्देश्य था कि एक केंद्रीय विद्यालय जो नूरपुर के लिए सैंक्शन हुआ है, उसको एक केंद्रीय स्थान जो कि डक राजा के तालाब में है, वहाँ पर स्थापित किया जाए। ये मुद्दा काफ़ी लंबे समय से जब कर्नल कान सिंह इस लीग के प्रेसिडेंट होते थे, उस समय से चला आ रहा था और उनका एक ये ब्रेन चाइल्ड था, उनका ड्रीम था कि ये केंद्रीय विद्यालय डक ग्राम पंचायत डक राजा के तालाब में स्थापित हो। तो उसको पूर्ति के लिए आज हम लोगों ने एक मीटिंग की है कि ये एक रेजोल्यूशन बना करके सरकार को भेजा जाए कि इसकी स्थापना डक में ही की जाए। ताकि कि वहाँ पर कोई ऐसी राजनीति है, परंतु हो सकता है कि जो हमारे लोकल MLA हैं राकेश पठानिया जी, उनको शायद ये याद नहीं रहा कि उनके पिताजी का ये स्वप्न था कि डक राजा के तालाब में ये स्थापित करना है। शायद वो इस चीज़ को भूल गए हैं जहाँ उनके जायदाद के अंदर नहीं है, परंतु HP जो एक्सेसमेंट लीग नूरपुर यूनिट है, ये कोशिश करेगी कि उनको याद दिलाया जाए कि उनके पिताजी का ये स्वप्न था और आज उन्होंने उसको पूरा करना है। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो बर्मा राजेश की रिपोर्ट।